ये जो मेरा बिस्तर या हॉल में लगा देना, मैं यहीं सोऊंगा। रमन, तुम्हें अगर चाहिए तो मेरे कमरे में सो जाओ, मैं पीयू के साथ सो जाऊंगी। प्लीज, कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे, किसी और को डिस्टर्ब करने का, ब्लेम अपने सर पे लेने का कोई शौक नहीं। प्लीज। Are you sure? अरे इस घर में किसी और को काम नहीं है क्या मेरे को परेशान करने के सिवा? अपना अपना काम करो ना। अरे रूही, आओ ना, अंदर आओ। रूही, रूही दीदी, आप वापस आ गए? आपका सामान कहाँ? नहीं पीहू, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें मेरे बर्थडे पे इनवाइट करने आई हूँ। किसी को तो याद होगा ही नहीं। एनीवे, तुम्हें जरूर आना है, ओके? ओके। और अगर तुम्हारी फैमिली में से किसी को आना है सो मोस्ट वेलकम। I will wait for you. रुई, रुई, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? रुई, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा? हमें तुम्हारा बर्थडे याद है, सबको तुम्हारा बर्थडे याद है। प्लीज अपना ये नाटक बंद कीजिए। रुई, कोई नाटक नहीं हो रहा बेटा, ऐसे मत बोलो। हमें तुम्हारा, अच्छा सुनो, तुम एक बार बस ऊपर चलो, माता रानी का प्रसाद हमेशा बनता है तुम्हारे लिए, प्लीज चल के ले लो, यू गुड गर्ल ना। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं। ओके सर, मैं जानता हूँ कि जो हुआ है इससे तुम और भी नाराज हो हमसे, लेकिन रूही ट्रस्ट मी, तुम्हारा बर्थडे हम भूल सकते हैं। तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जैसी पार्टी चाहिए, जो तुम्हें चाहिए जैसी। यू नो व्हाट, आप दोनों अपना टाइम वेस्ट करो, जस्ट लीव मी अलोन, आप ही जाइए यहां। बेटा बोलो तो तुमको कैसी पार्टी चाहिए? ओह प्लीज, रूहान को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, निधि मैम मेरे बर्थडे की सारी अरेंजमेंट्स कर दी है और उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। एंड आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग मुझे बर्थडे पार्टी का लालच दे के मुझे मना लेंगे? देखो, हम तुम्हें कोई लालच नहीं दे रहे, तुम्हारे माँ बाप है, हमारा इतना तो फर्ज बनता है, हमें इतना हक तो दे दो कि तुम्हारा बर्थडे मना सके। प्लीज रूही, तुम एक बार बोलो तो, तुम्हें जो चाहिए होगा वो ला के देंगे तुम्हें। जो कहूंगी वो, कुछ भी रूही, तुम्हें सब मिलेगा। और अगर नहीं दे पाए तो? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो मैंने ना दिया हो? तुम सिर्फ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरे मुझे वो 7 बर्थडेज वापस लौटा दो। क्या हो गया, दोनों अचानक चुप क्यों हो गए? अभी तक तुम बोल रहे थे कि मैं जो मांगूंगी मुझे वो दोगे, है ना? नहीं दे सकते ना मुझे मेरा बीता हुआ वक्त? एनीवे, एक्चुअली मैं ही अनरीजनेबल बन रही हूँ, मैं ही कुछ और मांग लेती हूँ। मुझे आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने मेरी जिंदगी से समझौता कर लिया है जिसमें अब मुझे आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों के बिना बहुत खुश हूँ, सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। बेटा, हम मम्मी पापा हैं तुम्हारे, हम पेरेंट्स हैं, तुम हमसे दूर कैसे रह सकती हो? कुछ हमारे बारे में भी तो सोचो। और तुम क्या मांग रहे हो? तुम उस निधि के साथ रहना चाहती हो जिसने अब तक तुम्हें कैप्टिव बना के रखा है, बंदी बना के रखा था, तुम्हारे पैसों पे वो पल रही है, तुम्हें टॉर्चर करती है। हम तुम्हें एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी तुम्हारे परिवार के साथ रखना चाहते हैं, तुम्हें खुश रखना चाहते हैं। परिवार की बात कर रही हैं? उस परिवार की जिसमें सब बच्चों से भी बदतर हो, जो पूरा दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। आप उस परिवार की बात कर रही है ना, आप उसमें मुझे ले जाना चाहती है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप खुश है जो आप मुझे बड़े बड़े सपने दिखा रही है? पहले तो उन्हें जाके बोलिए कि वो एक दूसरे से प्यार करें, तब तो वो मेरे बारे में सोचेंगे ना। You know what? Just leave me alone. और हाँ, आप लोग
पार्टी में आओ या नहीं आओ, आई डोंट केयर। हो सके तो प्लीज पीहू को जरूर भेज देना। चलो ड्राइवर। आप चिंता मत करो रमन, उसके गुस्से पे मत रिएक्ट करना। वो लाख गुस्सा करे, लाख नाराजगी दिखाए, हमें दूर धकेलने की कोशिश करे, हम रुकेंगे नहीं, हम उसके करीब जरूर जाएंगे। ये पार्टी हम जरूर अटेंड करेंगे रमन, उसे गुस्सा ही निकालना है ना। अच्छा है निकाले, अंदर की गंदगी जितना बाहर निकालेगी हमारा प्यार उसे उतना ज्यादा नजर आएगा। धीरे धीरे उसके करीब जा जाके हम उसे दिखाते जाएंगे कि हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं रमन। ये जो दो बहनें हैं ना, रूही और पीहू, बस समझ लो इसी एक दिन के का हमारा सहारा है। इन दोनों के प्यार के भरोसे ही हम रूही के करीब जाएंगे रमन। बहुत कम है हमारे पास, इसलिए तो हम वक्त नहीं जाया करेंगे। हमारे अंदर जितना प्यार है ना उसके लिए सब लुटा देंगे उस पर। देख सिम्मी कैसा है। वाओ मम्मा, आप तो बड़े छुपे रुस्तम हो, ये कब खरीदा आपने? जब रूही छोटी सी थी ना, एक वरी ऐसे एक मैगजीन में देख के बोली, दादी कितना सुंदर सेट है। बस मैंने उसी वक्त ले लिया था, पर छुपा के रख दिया था कि जब संभालने के काबिल हो जाएगी ना तब दूंगी। रूही हमारे पास भी है और उसका बर्थडे भी है, बस इसी मौके पे अब मैं उसे ये दूंगी। इतना उसके लिए सरप्राइज होएगा, उन्हें चंगा तो लगेगा ना। ऑफ कोर्स मामा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये किसका है? ये आपकी रूही दीदी का बर्थडे गिफ्ट है। वाह, ये कितना प्रिटी है। पर फिर मैं रूही दीदी को क्या दूँ? मेरा गिफ्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होगा रूही दीदी का फेवरेट गिफ्ट? एक बड़ा सा ना टेडी बेयर दे दे, पिंक कलर का। हाँ। उफ़ो दादी, रूही दीदी छोटी बच्ची ने, वो टेडी से नहीं खेलेगी। हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनके टेस्ट से मैच करे। मेकअप किट एंड नेल पॉलिश बा, ये सही रहेगा। और ना एक बड़ा सा हैंड बैग भी दे दे, ट्रेंडी सा। ये भी अच्छा है, मैं मामा को बोल के आती हूँ। सिमी, पीहू रूही से कितना घुल मिल गई है ना, इन्हें देख के पता ही नहीं लगता कि अभी तक इसे नहीं पता कि रूही इसकी बहन है। हाँ मम्मा, बस एक बार रूही घर में वापस आ जाए फिर देखना दोनों बहनें प्यार मोहब्बत से साथ रहेंगी। माता रानी करे ऐसे ही हो। ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे आइस केक चाहिए और वो भी स्पेशल वाला, समथिंग बिग यू नो। मेरी बच्ची का बर्थडे है, सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सारी डेकोरेशंस ओके। इस शहर में ऐसी पार्टी कभी किसी ने ना देखी हो, ऐसा डेकोरेशन। डोंट वरी मैडम, जैसा आपने कहा वैसे ही इंतजाम होगा। वैसे आई मस्ट से कि तुमने मेरी एडवाइस बहुत अच्छे से ली है। ऑफ कोर्स, वो तो लेनी ही थी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। वो इशिता पागल होती जा रही है अपनी बेटी के प्यार में, उसको जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को पाना है। उसे अपना ड्रामा करते रहने दो, तुम बस दौलत और डर का बैलेंस बना कर रखो। एक तरफ रूही तुमसे डरती है, उसका फायदा उठा, और दूसरी तरफ दौलत से उसे फेज 3 की लाइफ दिखाते रहो, कहीं नहीं जाएगी। वो टाइम चला गया अशोक, वो लड़की मेरे ऊपर हावी होती जा रही है, उल्टे जवाब देती है। मैंने तुम्हें बताया, वी नीड टू डू समथिंग। मैं ये तेवर उसके नहीं ले पाऊंगी और दिन। मुझे उसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसका हमदर्द बनना पड़ेगा, या अपनापन दिखाना पड़ेगा उसे। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उस इशिता का क्या करेंगे? वो बहुत चालाक है, तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहेगी। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, और भल्ला परिवार कभी भी एक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो रूही हमसे वो ले जाएंगे। भल्ला परिवार में फूट डालने के लिए हमें एक हुक्म का इक्का चाहिए, और वो तुमसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो हुक्म का इक्का कौन है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रूही के लिए गिफ्ट ले लिए, बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है, मेकअप किट है, आई एम श्योर उसे बहुत पसंद आएगा। हाँ मैं बस घर पहुंची रही, सी यू।
हाय शगुन। कैसी हो? मुझे तो लगता है कि वैसी की वैसी ही हो, अब भी उतनी ही खूबसूरत। यू नो यू आर अ टाइमलेस ब्यूटी। वैसे इनविटेशन मिला कि नहीं? एक्सक्यूज मी शगुन, हम तुम्हें रूही की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आए। इट्स गोना बी अ ग्रैंड अफेयर, और तुम्हें तो आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम रूही की माँ जो हो। वैसे तुम्हारा आजकल आगा पीछा तो है नहीं, इशिता ने तुम्हें निकाल कर जो मारा, तुम्हारी जगह ले ली उसको, राइट? फिर क्या हुआ? इट्स ओके, मैं हूं ना तुम्हारा पुराना कदरदान। वैसे शगुन, मेरी बात मानो, तुम हमारी साइड पर आ जाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो अल्लाह परिवार को कोई बचा नहीं पाएगा। वैसे यू नो, जब मैं तुम्हारे साथ था, व्हेन वी वर अ कपल, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, और कपल्स करते भी। पर अब मैं दीदी के साथ हूँ तो तब भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अकेली जो पड़ गई, रमन और रिश्ता ने तुम्हें छोड़ जो दिया। वैसे यू नो, तुम्हारी हालत उस धोबी के कुत्ते जैसे होगी, जो ना घर का होता है ना घाट का। You know what, अशोक, मैंने नोट किया है कि तुम्हारी बकवास को अगर सुन लो ना तो ही बेटर होता है। थैंकफुली तुम्हारी इस बकवास का मुझ पे कोई असर नहीं होता, एंड आई एम ग्लैड कि निधि तुम्हारे साथ है। दो घर बर्बाद होते, अब एक ही होगा। अरे शगुन, वो फिक्र कर रहा है तुम्हारी, उसे टेंशन है तुम्हारी। निधि, मैं रूही नहीं हूँ जो मुझे पट्टी पड़ा सका। तुम्हें जो डैमेज करना था वो कर ले, अब और नहीं। एंड तुम दोनों को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, स्टे अवे फ्रॉम मी। फर्क पड़ा? Well, जरा सा धुआं तो जरूर उठा है। देखना यह है कि आग किस किस को जलाती है। तुझे जी, रूही का गिफ्ट तैयार हो गया ना? ए देखो, मैंने अपना गिफ्ट तो पहले तैयार करके रख लिया, चंगी तरह पैक करके। वेरी गुड। देखना कितना पसंद आएगा रूही को गिफ्ट, पीहू ने जो चॉइस की है। रमन, ये क्या लेकर आया? ये रूही के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, हमें भी तो दिखा क्या लेके आया है। खोलो ना भाई जल्दी। हाँ भाई, ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है। ये गिफ्ट नहीं है सिमी, ये सारी वो यादें जिनके सारे मैंने 7 साल गुजारे अपनी बच्ची के बिना। एक ये एक्चुअली ये छोटा सा नोट है रूही के लिए। क्या है कि पापा से बात नहीं करती ना, तो सोचा कि मौके का फायदा उठा लूं। हमें भी सुना, क्या लिखा है तूने? रूही बेटा, पापा लव्स यू। आपके पापा आपको कभी नहीं भूल पाए, हर दिन हर रात आपको मिस करता रहा। रूही, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, हर त्योहार पर, हर खुशी पर। हमने तुम्हें बहुत मिस किया, आज तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा वेट कर रहा है। आपको सचा बेटा, अपनी अधूरी फैमिली को फिर से पूरा कर दो। We all love you. We love you very much. देखिए रमन, ये सारा कुछ देख के और ये पढ़ के ना,
रूही का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तू बस माता रानी पे भरोसा रख। भाई लेकिन ये वाला फोटो कहाँ गया? ये खाली नहीं है, ये पिक्चर तब पूरा होगा जब रूही हमारे घर वापस आ जाएगी। हमारा फैमिली फोटोग्राफ। शायद रूही को समझ में आ जाएगा कि वक्त ने हमारे रिश्तों में करवाहट भर दी थी, लेकिन एक बार फिर हम भरा पूरा परिवार बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं। उसके वापस आने की देरी। She like it. जिंदारो पुत्र, जिंदारो शाबाश। तेरा पूरा परिवार एक बड़ी फेर एक जगह हो जाए, और क्या चाहिए है? जिंदगी में फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। 7 साल इन्हीं तस्वीरों के सहारे गुजारे हमने। क्या हो रहा है? होमवर्क कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे टीवी देखना है ना। हाँ, वो तो जरूरी है। साजन बिना ससुराल? आपको कैसे पता? मेरा फेवरेट शो है, मुझे बहुत पसंद है। सबका फेवरेट है वो। हाँ, आई लव टीवी। अच्छा आप ये पियो पहले, ठीक है? Nice. अच्छा एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे, कल तुम चलोगे मेरे साथ? रूही दीदी को विश करने, कल उनका बर्थडे है। मैं चलूंगी आपके साथ। चलोगे साथ में? हम क्या करेंगे ना, हम ना खूब सारे उनके लिए साउथ इंडियन डिशेस बना के ले जाएंगे, क्योंकि उनको साउथ इंडियन डिशेस तो बहुत 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 पसंद है, तो हम खुद खिलाएंगे उनको। लेकिन आपको कैसे पता चला कि रूही दीदी का फेवरेट डिश साउथ इंडियन है? क्योंकि वो मेरे साथ रही है ना, हम लोग जब रहते थे वो अपार्टमेंट में साथ में, वो बाहर से मंगवाते थे ना, बार बार ऑर्डर करते थे, तो मुझे पता चल गया कि उनको साउथ इंडियन बहुत पसंद है। फिर हम कल मॉर्निंग में रूही दीदी को विश करेंगे सबसे पहले। यू आर वेरी स्वीट। अगर रूही दीदी यहाँ होती तो आपको ऐसे ही हग करती। आपको रूही दीदी बहुत पसंद है ना? जल्दी करना, पापा जी सब पैक हो गया। हाँ सिमी, बस हो गया, ये कपड़े रख लूँ बस बांटने के लिए। वो प्रसाद तैयार हो गया ना? बस पापा 2 मिनट में हो जाएगा। जल्दी कर, वहाँ बांटने में भी टाइम लगेगा। हाँ पापा जी, वो भोग लगाने वाला मैं अलग से रख दूंगी, तो रूही को उसी में से भिजवा देंगे, ठीक है? सूजी का हलवा तो ना रूही का बहुत फेवरेट है। हाँ। मैं बाकी सामान भी लेकर आता हूँ, जल्दी कर जल्दी। पीहू को देखा क्या? हाँ, वो तो रूही को बर्थडे विश करने गई है ना। रूही को किसके साथ? इशिता के साथ। हद हो गई यार, इनफ इज इनफ। शगुन क्या हो गया? सिमी यार, पीहू की टेस्ट है स्कूल में, और इशिता को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। शिमा को हगी भी मिलेगा एक। I love you शिमा, I love you, I love you शिमा, शिमा I love you, I love you शिमा, शिमा I love you। मैडम उठ जाइए, नाश्ता लगा रखा है।
मैडम नाश्ता। हाँ जाओ मैं आती हूँ। बार बार रिश्ता मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार मेरे मन में आ रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।